अगर आपके पास ज़रूरत के हिसाब से पैसे हो, जितने चाहिए उतने पैसे हो, और आपके पास पूरा समय हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उन पैसों को, आप उस समय को किस तरह से कहाँ खर्च करेंगे? हाय, मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। सवाल इतना कठिन तो नहीं लगा मुझे, पर हाँ, इसका जवाब ढूंढना काफ़ी सोचने का काम है, क्योंकि हम जिस वक्त में, जिस समय में अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने सपने बुन रहे हैं, हम सबको ना ज़िंदगी से कुछ उम्मीदें हैं, हम कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों में देखें तो हम अक्सर चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो, मुझे 10 लोगों के बीच में कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे बारे में बातें करें, लोग मेरी एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि सबको ज़िंदगी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हर कोई कुछ अलग करना चाहता है। किसी को जॉब करनी है तो एक लेवल के टाइप की जॉब करनी है, किसी को जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन जॉब और स्टार्टअप के बीच में कन्फ्यूजन क्या है कि मैं अपना गोल कैसे डिसाइड करूं, कि ये मेरा पैशन है वो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे यही करना हो, मुझे कैसे पता चले। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि क्यों करना है, पर्पस क्या है। अगर आपको कुछ शुरू करना है तो क्या आपके पास वो पर्पस है? आपने डिसाइड किया है कि इतने टाइम में मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए भी तो कुछ अंदर चाहिए ना मसाला। अच्छा, आपको पता भी चल जाए कि पर्पस ये है कि मुझे इसलिए करना है, कि मेरा ये सपना है, कि मुझे अपने लिए करना है, कि मुझे यहां तक पहुंचना है, और साथ में क्यों करना है, रीजन भी तो चाहिए। क्या जरूरत है, क्या आपका पैशन है, आपके अंदर वो कला कूट कूट के भरी है, क्या आप इसलिए करना चाहते हो? जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल मैं कैसे डिसाइड करूं, अपने आप को हमेशा पूछो कि मेरे पास इस चीज़ के लिए इनफ पैसे हैं, मेरे पास इतना वक्त है, तो क्या मैं इस समय को और इस पैसे को कैसे खर्च करूंगा, उसका मुझे रीज़न पता है, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे डिफ़िकल्ट है ये डिसाइड करना, पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, गोल क्या है। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उसी में गुजर जाती है। हम आए दिन देखते हैं किसी ने 5 साल की जॉब छोड़ दी, कोई 10 साल तक एक अच्छी पोजीशन पे था और उसने अचानक रिज़ाइन किया। क्यों? उसे अपनी ज़िंदगी के करियर के 5 या 10 सालों के बाद पता चला कि एक्चुअली मुझे करना नहीं था, पर अब मुझे पता चल गया कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जॉब भी कर रहा है और साथ साथ में अपना ड्रीम भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन इन सब चीज़ के लिए एक दिमाग में एक खुराक चाहिए, अपनी सोल हंगर चाहिए कि मुझे ये करना है। अब कब करना है, कैसे करना है, अगर इस सवाल का जवाब मिल गया कि क्यों करना है, पर्पस क्या है, क्या रीज़न है, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है और आप किस तरह से कर सकते हो। दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता भी चल जाए कि आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, लेकिन आए दिन हम आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं, देन वी रियलाइज कि मैं जो कर रहा हूँ इतना ब्लाइंडली कर रहा हूँ, ये करते करते आधी ज़िंदगी गुजार दी, ना वर्क लाइफ बैलेंस है, ना परिवार के साथ वक्त बिता पा रहा हूँ, मतलब बस बोझ लिए जा रहा हूँ। कोई भी काम करते वक्त इंसान खुश कैसे रह सकता है, उसे खुशी कैसे महसूस हो सकती है, उसे कंटेंटमेंट कैसे मिलेगा, वो सैटिस्फाइड कैसे होगा। ये 2 चीज़ें कितनी ज़रूरी है ना, जब भी आप गोल डिसाइड करो, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि मेरे पास इसके लिए पैसा भी है, समय भी है, मैं कहाँ खर्च करूँगा, लेकिन ये खर्च करते वक्त क्या मुझे खुशी मिलेगी, क्या मैं जो करना चाहता हूँ उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वर्क सेटिस्फेक्शन आपकी ज़िंदगी में आपको एक पीस ऑफ माइंड तो देता ही है, और साथ में आपको अपनी आइडेंटिटी आपने बनाई है उसका सेटिस्फेक्शन, उसका एक प्राउड फील देता है आपको। इसलिए आप देखिएगा आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं हाँ यार ठीक है कर रहे हैं, देखते हैं आगे कितना जाएगा, क्योंकि वो श्योर नहीं होते हैं, वो इतने खुश नहीं होते हैं। सो ये चीज़ मैंने हमेशा अक्सर, जब भी मुझे रेडियो में आना था, जब भी मुझे कैंडल बनानी थी, जब भी मुझे कुछ अलग करना था, मैंने हमेशा अपने आप को 5 सवाल पूछे। उनमें से 2 सवाल ये खास थे कि मैं ये क्यों करूँ, क्या मुझ में ऐसा है कुछ जो और लोगों में नहीं है, क्या मैंने उतना अनुभव ले लिया, उतना एक्सपीरियंस कर लिया, तभी मैं अपना हाथ इसमें आजमा सकती हूँ।
अगर आप में ऐसी कोई कला है, ऐसा कोई हुनर है, ऐसी कोई खूबी है, ऐसी कोई खास बात है जो आपको लगता है आपके आसपास 10 या 20 लोग, ज़्यादा नहीं, दुनिया से कम पर मत करो, पर 10 या 20 लोगों में नहीं है और आप में वो कला है, अच्छा अगर वो कला है तो क्या उतना अनुभव है कि आप उसको अपना पैशन बनाओ? अगर वो पैशन बन भी जाए तो क्या वो पैशन आपका पेट भरेगा? क्या उस पैशन से आप अपना घर चला सकते हो? अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो आप डेफिनेटली अपने पैशन को अपना जुनून बना सकते हो, मतलब अपने जुनून को अपना करियर बना सकते हो। आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि यार मेरे में कला है पर पता नहीं इससे पैसे मिलेंगे या नहीं। आप देखिएगा जो लोग कवि होते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, वो कितनी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, कितनी अच्छी कविताएँ लिखते हैं, लेकिन साथ में जॉब भी करते हैं। ये जो जॉब करते हैं ये उनका पेट पालती है और वो जॉब करने के लिए उनको इंस्पिरेशन, उनके सोल को सेटिस्फेक्शन उनका पैशन देता है, कविताएं लिखना, पेंटिंग्स बनाना। सो अगर आपको आपका जुनून पैसा भी दे रहा है तो आपको आपका पैशन मिल गया, आप खुश भी रहोगे, सेटिस्फाइड भी रहोगे। लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास जो आर्ट है, मेरे पास जो जुनून है, जो मेरा पैशन है, मुझे अभी उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, तो साथ में जॉब भी करनी चाहिए, क्योंकि जॉब करने के लिए आपको आपका पैशन ही मोटिवेट करता है और धीरे धीरे आप अपने गोल की तरफ जाते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे गोल पाने की सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, उस हिसाब से लोग अपनी ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद शायद इस बात का 20% 25% आपको तोड़ दे पाए। लेकिन एक चीज़ मैंने सोची है और एक चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ, अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको हमेशा फोर्स देता है ये करने की तरफ, तो ज़रूर करिए, चाहे वो जुनून बने या करियर बने। अदरवाइज पूरी ज़िंदगी शिकायत रहती है कि मैंने अपने आप को मौका नहीं दिया, क्योंकि गोल से ज़्यादा ज़रूरी है उस गिल्ट से बाहर आना जो आपको करना है और आप कर नहीं पाए। तो करिए, डुबकी लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डूबने का डर है लेकिन तैरना भी सीख जाएंगे। सो ट्राई दिस ट्रिविया एंड ट्राई दिस ट्रिक ऑल्सो। मेरा नाम जिया है, आप देख रहे हैं ख्यालों वाली खिड़की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।